अमेठी जिले के रहने वाले कांग्रेस नेता और पूर्व एमएलसी दीपक सिंह ने दिन की रोशनी में टार्च व लालटेन लेकर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ जगदीशपुर के कठौरा स्थित औद्योगिक क्षेत्र का भ्रमण किया। जगदीशपुर औद्योगिक क्षेत्र में भ्रमण करते हुए दीपक सिंह ने लोगों से अमेठी के सांसद के द्वारा कराए विकास के बारे में पूछा। दीपक सिंह ने कहा कि आज भी औद्योगिक क्षेत्र में जलभराव जैसी समस्या है, लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। लोग बाहर से आकर औद्योगिक क्षेत्र में उद्योग लगाते हैं, जिससे देश का भी विकास होता है और स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलता है। परंतु दुर्भाग्य बस इतना है, जब से स्मृति ईरानी सांसद हुई हैं, तब से अमेठी की फैक्ट्रियां खुलने के बजाय बंद हुई हैं, लोगों से उनका का रोजगार छीना है। बिना पेंट को चल तो काम होता है। अरे ना मिले हम तो मिल पाए ना मेरे बिल्कुल जनता इतनी बड़ी फैक्ट्री है, सॉफ्टवेयर लगवा रहे राजीव गांधी राहुल गांधी तो नहीं लागे स्मृति ईरानी जी कहती हैं हमने बहुत काम किया, हमने कई बार सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, प्रेस वार्ता के माध्यम से, पत्र के माध्यम से सवाल पूछा कि आखिर आपके विकास का कोई नाम है या आपका बेनामी विकास है। स्मृति ईरानी जी हमेशा कहती हैं कि हम काम करेंगे, काम करेंगे, कब करेंगे। उनको सांसद हुए 4.5 वर्ष बीत गए। लोग कहते हैं किसी सामान को खरीदना है रोज़मर्रा के, किसी मॉल में जाइए, किसी मेले में जाइए, जहाँ पर बाजार हो वहाँ जाइए, सामान मिलेंगे। इसलिए हमारे जगदीशपुर की इस इंडस्ट्रियल एरिया में सड़कों पर पैदल चलते हुए हमने कई लोगों से, राहगीरों से पूछा, जब से स्मृति ईरानी जी सांसद हुई हैं, जहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी जी ने सैकड़ों फैक्ट्रियाँ लगाई हैं, जहाँ से लाखों लोगों को रोज़गार परोक्ष अपरोक्ष रूप से मिलता है, उनकी कोई एक फैक्ट्री मिल जाए। आप तमाम साथियों ने देखा भी लोगों ने क्या क्या कहा। जिस सड़क पर अभी हम खड़े हैं 7 साल पहले बनी थी, 7 साल बनने के बाद से अभी तक गड्ढे नहीं भरे गए, हर साल सड़कें टूटती हैं, पानी में लोग आते जाते रहते हैं। तो न एक उनकी द्वारा सैकड़ों फैक्ट्रियों वाले एरिया में एक फैक्ट्री लगाई गई है, उल्टे कई फैक्ट्रियाँ बंद कराई गई हैं। इंडस्ट्रियल एरिया यहाँ का डेवलप एरिया था, जहाँ के लोग टैक्स देते हैं, जहाँ के लोग अच्छे अच्छे मकान, आप अगर देखें अच्छे अच्छे मकान बने हैं, लेकिन उन्हें न गाड़ी लाने की स्थिति में रहते हैं, न पैदल चलने की स्थिति में रहते हैं, पूरी तरह से गड्ढे हैं। तो हम ये मानने के लिए आए थे, ये जानने के लिए आए थे, शायद कुछ दिख जाए धरातल पर उतरने पर, कुछ दिख जाए 2-4-6 किलोमीटर चलने के बाद कुछ दिख जाए, लेकिन सच्चाई सामने आई। सिर्फ उनके झूठ, उनकी अफवाह और अमेठी के बाहर झूठे भाषण हैं। जगदीशपुर में काफ़ी दिन से घूम रही थी, समस्याएँ सुन रही थी। किस बात की समस्या? 4 साल बीत गया, समस्या सुनने नहीं आई आप? अब तो निवारण करने का समय था, आपको रिपोर्ट कार्ड जारी करने का समय था। कांग्रेस पार्टी ने रिपोर्ट कार्ड जारी किया था राहुल गांधी की विकास यात्रा का, जिसमें कई सारी फैक्ट्रियां थी, कई सारे सड़क थे, कई सारे रोजगार के चीजें थी, कई सारे शिक्षण संस्थान थे। हमारे ख्याल से इनको दिखाई नहीं, कुछ बताने के लिए इनके पास तो है नहीं। एक आध सड़कें गड्ढे भरवा पाई नहीं, शायद उसका भी रिकॉर्ड नहीं हुआ। इसलिए हम धरातल पर उतर कर पहले अमेठी पार्लियामेंट की सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल जगदीशपुर आए हैं, इसके बाद उन गांवों में जाएंगे जहां पर उन्होंने जाकर चीजें पूछी हैं। लेकिन उसकी भी कलई खुलती है, भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने सड़क बनाने के लिए एप्लीकेशन दी थी, उसे पार्टी से बाहर एलानिया निकाल दिया गया। इसका मतलब ये होता है कि आवाज को बंद कराने की कोशिश की जाती है। जब कोई पत्रकार पूछना चाहता है तो उसे निकालने की धमकी जाती है, निकलवाया जाता है। तो हम उन तमाम अमेठी वासियों की तरफ से उनकी आवाज को स्वर देने के लिए आए हैं कि अमेठी में सांसद ने कोई विकास किया हो तो दिखाए,
हम तो दिन की रोशनी में खोज रहे हैं, टॉर्च लालटेन लेके खोज रहे हैं, हमें नहीं दिखाई पड़ता। आप पत्रकार बंधुओं से, भारतीय जनता पार्टी के तमाम मित्रों से भी चाहूंगा, जो उन्होंने, उनकी सांसद ने कोई विकास अमेठी में किया हो, कोई फैक्ट्री डाली हो, तो उसकी एक फोटो साझा कर दें।